महंगाई कहाँ बढ़ रही है? पेट्रोल में, सरसों का तेल में, महंगाई नहीं बढ़ रही है? केले के 70 रुपए किलो, गैस का सिलेंडर 900 रुपए का हो गया, महंगाई नहीं बढ़ रही है? इनके घट जाएंगे, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, महंगाई नहीं बढ़ रही है? अरे इतनी पीछे को मुझे 1500 रुपए मिलते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे काम कर रहे हैं तो लखनऊ में प्रोटेस्ट क्यों? कुछ लोग सरकार की उपलब्धियों को समझ नहीं पा रहे, सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अगले साल तो ये मैं जीतू, आप मुझे समझ गए, आप अखिलेश यादव का बहुत बड़ा फैन है, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। एक मिनट, मैं जीतू यादव हूँ, इटावा से हूँ मैं, ठीक है? जीतू यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव आना चाहिए, हमने बता दिया, ठीक है? पता चल गया, ठीक है, कि आपको बहुत बड़ा फैन है। कैसे वाले खाते हैं वो मुझे पता है उसकी, हाँ पता है उसकी कौन। यूपी किसके हाथ में देने वाले? योगी के हाथ में, योगी के हाथ में, योगी जी के हाथ में, क्यों योगी जी के हाथ में? राशन फ्री मिल रहा है क्या? राशन फ्री दे रहा है, राशन फ्री, राशन इधर आती, इधर तो आइए, राशन से इधर आइए, योगी और मोदी जहाँ भैया जाते हैं, योगी और मोदी, हर हर। अच्छा अच्छा, अब राशन फ्री मिल रहा है इसलिए चाहते हैं, राशन फ्री मिल रहा है इसलिए चाहते हैं, और क्या? अच्छा वही, बाकी महंगाई जो बढ़ते जा रहे हो, कुछ महंगाई कहाँ बढ़ रही है? पेट्रोल में, सरसों का तेल, महंगाई नहीं बढ़ रही है? केले के 70 रुपए किलो, गैस का सिलेंडर 900 रुपए का हो गया, महंगाई नहीं बढ़ रही है? इनके घट जाएंगे, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, अगर इनके घट जाएंगे, सरसों का तेल 250 रुपए किलो है, 50 लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे, जो महंगाई नहीं हो रही, पूछिए जरा, 50 लीटर तो रख लेंगे क्या? लेने क्या पूछ रहे हैं? हम तो 100 लीटर भी रख लेंगे, किराने की दुकान है इसलिए महंगाई नहीं है इनके लिए, क्योंकि इनका काम चल रहा है उससे। अगर महंगाई नहीं हो रही है, जो आप बेचते हो तो आपको पता नहीं महंगाई चल रहा है नहीं चल रहा है? मजदूरी नहीं बढ़ रही क्या? 100 पे 500 मजदूर मिल जाता है, 1000 रुपए मजदूर आ रहा है, 1000 रुपए। एक काम करो, 10-12 मजदूर मैं दे देता हूँ, 500-500 रुपए में, 500-500 रुपए दिहाड़ी देता हूँ उनकी, मैं दे दूंगा 10-12 सुबह ही दे दूंगा इन्हें, 500-500 रुपए की दिहाड़ी दे दो। पढ़े लिखा चाहिए, पढ़े लिखा तो होना चाहिए आदमी, 60% भी नहीं पढ़े लिखे हैं भाई, वो भी तो कारोबार। नौकरी दे रही है क्या? पूछो, सरकार नौकरी दे रही है पढ़े लिखों को? घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, चाय पकौड़े बता रहे, चाय पकौड़े, चाय पकौड़े बिक रहे हैं। अंकल अंकल क्या कह रहे हो? हलवाई की दुकान खोल रखी है, तो हमारे भेज दूंगा चाय पकौड़े बेच देंगे। समोसे बनते हैं दुकान पे, समोसे भी बना देंगे, समोसे बनवा लेंगे, डिजिटल इंडिया क्या बना रहे हैं फिर ये? पूछो डिजिटल इंडिया क्या बना रहे हैं, जब चाय पकोड़े की दुकान पे मतलब जो पढ़े हुए मतलब पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, जवाब दीजिए, क्या डिजिटल इंडिया बना रहे हैं? डिजिटल इंडिया मतलब क्या है? क्या है डिजिटल इंडिया? क्या चीज है डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया क्या चीज है? 7000 साल पहले मंदिर, मस्जिद और राम और रहीम इनके पीछे पहुंच गया, अभी भी सबको ले जाकर मैं छोड़ दिया अभी पीछे, वही 7000 साल पीछे। लेकिन लोगों का भाईचारा और खराब कर दिया, जो प्रेम भाव था वो लोगों का खत्म कर दिया इस सरकार ने। ऐसे क्यों लग रहा है भैया? जातिवाद इतना फैला दिया इस मतलब जो सरकार के अंदर के मतलब जो है के मतलब के भाई पक्षवाद इतना कर दिया है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? कोई भी नहीं है, सबको अलग अलग उसमें बांट दिया, हाँ सबको अलग, सबको अलग कर दिया, पेट भर रहा कोई ना, गरीब का सुन लो, गरीब की लात मार रहा है पीछे को, कोई ना करता, कोई मैं काम करती हूं, मैं काम करती हूं, मुझे 1500 रुपए मिलते हैं महीने के, डेली के, महीने के, महीने के 1500, हाँ बिजली घर में सरकारी में, तो महंगाई कैसा लगा? कुछ महंगाई कुछ कहना, बच्चे कहाँ से पाल, मेरा आदमी है ना, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ से खाए, किसे खाए हम, क्या बता पहले, ना पेंसिल पेन ना कुछ, मैंने गरीब कुछ भी नहीं है, महंगाई नहीं दे रहे, गरीब का कुछ ना दे रहे ये लोग, गरीब का तो घूस कर रहे हैं, महंगाई करे गरीब के लिए, तो महंगाई गरीबों के लिए, गरीबों के लिए ऊपर मार पड़ रहे हैं, और क्या क्या माल है, राशन ना पानी कुछ भी नहीं है, पैदल पैदल राशन मुफ्त दे रहे हैं, दे क्या दे रहे, कुछ ना दे रहे, राशन मुफ्त में नहीं दे रहे, ओ दे दे का दफे दे दे, अपने कर्जे भी ले उन्होंने, कुछ ना करते वो राशन कार्ड नहीं लोग होंगे, राशन राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड भी काट दिए, महंगाई ठीक है, बढ़िया, एक भी चंदा नहीं बढ़ाते, 2000-2000 लग रही है, 2000 1 रुपया नहीं बढ़ाते, कर्जा मत भागे, पूरा महीना 1500 रुपए, कसम से कह रही, इतना मुश्किल होते हैं 1500, क्या कैसे, क्या मेरा आदमी
महीने में तो क्या गुजारा करना। कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं? मैं सफाई कर रहा हूं, दो दो काम करती हूं मैं। मतलब कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं कि 1500 रुपए में किस तरह से काम है? मेरा आदमी है ना, मेरे बच्चे हैं ना, लड़का है ना मेरा, तो इनके लिए मैं पैदल जाती हूं मैं। महंगाई कितना परेशान, अम्मा इधर आओ, कितना परेशानी हो रही है महंगाई आपके लिए, सिलेंडर का महंगाई और जिस तरह से सैंडलों का पेट भर बच्चों, सब्जी नहीं होती मेरे घर, चाय नहीं बनती मेरे बच्चों को, मैं किससे कहूँ? महंगाई बहुत ज्यादा, तो अम्मा अभी किससे उम्मीद है आपका कि आपके परेशानी? उम्मीद नहीं है भैया, मैं किसी में उम्मीद नहीं, क्या नया चेहरा आना चाहिए, कोई नया कि आप भी चाहते हैं कि योगी जी बदल जाए, योगी जी चला जाए, कोई दूसरा आ जाए भाई, वो भी ऐसे आएंगे नहीं तो काम करे पेन ना करे। अभी तो कैसे बुढ़ा में पेंशन नहीं बनी मेरी, और रोज पटवारी फोन करता है मेरे पे पेंशन बन दे पेंशन, अभी तो पेंशन नहीं आई मेरी। बनाए क्यों नहीं पेपर? पटवारी पटवारी क्या पता क्या कर रहा है? अच्छा तहसील में जाती हूँ मैं हर महीने वहाँ पे, अच्छा मैं पेंशन भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, रोज धक्के खा के आती हूँ मैं। अम्मा कितना इधर आगे मुझे पूछो ना, परेशानी हो रहा है? मुझे परेशानी है, मुझे पता है बच्चे भूखे सोते हमारे। अच्छा ये बताओ भैया, फाइनली बताओ किसका सरकार चाहते हैं? सरकार मैम हम तो इनकी किसी की नहीं चाहते, नया चेहरा चाहते हैं, कोई जो नया नया विकास करे, कोई बात घुमाओ मत, सीधा नहीं नहीं बिल्कुल सीधा एकदम नया, हम चाहते ही नहीं ना अखिलेश को चाहते ना इनको चाहते, क्या नाम है तुम्हारा? बीजेपी को नहीं, नया हमारे में से निकलेगा ना, वो पार्टी में से निकलेगा नया, हम तो बीजेपी का चाहते हैं। आप बीजेपी का चाहते हैं? आप मैडम हम नहीं चाहते। आपने बता दिया अखिलेश, आपने बीजेपी, आप भी बीजेपी? और आप मैडम काफी काम हुआ है लोनी के अंदर, लोनी में आप देखिए सड़क टूटी हुई थी, सड़क बनी है, विद्यालय बनने जा रहा है, अस्पताल बनने जा रहा है, और अपराध सारे अपराधियों को साफ योगी सरकार ने यहाँ लोनी से बाहर कर दिया है, किसी अपराधी को मुंह उठाने का मुकाबला नहीं। और दोनों संप्रदाय प्यार हमदर्दी से लोनी के अंदर रह रहे हैं, और हिंदू और मुसलमान दोनों मुख्य माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार को दोबारा चाहते हैं। अच्छा आप फिर से चाहते हैं? महंगाई हर सरकार में रहेगी, महंगाई किसी के बस की नहीं है, महंगाई हर सरकार में रहेगी, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई किसी के बस में नहीं है, महंगाई किसी के बस में नहीं है। जो सरकार टैक्स जो लेते हैं क्या उसमें कम नहीं कर सकते? कैसे कैसे कर देगा, कैसे कैसे कर देगा, टैक्स से उसका घर सरकार चलती है, हमसे टैक्स लेकर सरकार चलती है। अच्छा कांग्रेस के जमाने के अंदर तो गरीब नहीं गरीबों हटाओ का नारा था, गरीबों को हटा दिया था इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी के जमाने में गरीबी नहीं हटाई गई थी, गरीबों को हटा दिया गया था। इसी वजह से आपने बोला कि कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस तो अभी चले गए ठीक है, कांग्रेस अभी नहीं है, अब इस वक्त बीजेपी है, तो क्या बीजेपी रोजगार दे रहे हैं? बीजेपी काफी रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है, पुलिस में है, स्वास्थ्य विभाग में है, जो पढ़ा लिखा बंदा है वहाँ जाए ऑनलाइन नेट पे चेक करे, देखिए सारी चीजें आज ऑनलाइन नेट पे है, अगर कोई आरोप लगाने वाला है नेट पे जाए और नौकरी चेक करे, अगर वो दसवीं पढ़ा लिखा और अगर वो दसवीं पढ़ा लिखा और नौकरी बीए की है तो उसको नहीं मिलेगी, बीए वाला ही चाहिए। टीचर लोग हैं और लखनऊ में इतना प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है इतना सारे लोगों का? मैडम सरकार अपना काम कर रही है, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे काम कर रहे हैं तो लखनऊ में प्रोटेस्ट क्यों? कुछ लोग सरकार की उपलब्धियों को समझ नहीं पा रहे, सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इसका जवाब मुझे दे दीजिए, आपने बोला है कि पढ़े लिखे जो टीचर है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर नौकरी मिलते तो प्रोटेस्ट? मैडम सरकार अपना काम कर रही है, आप रुकिए थोड़ा सा, अभी रुकिए, अभी आप जल्दबाजी कर, थोड़ा रुकिए सरकार अपना काम कर रही है। बड़ी बड़ी लगा रही है? नहीं नहीं सरकार अपना काम कर, सरकार ने नौकरियां दी है, सरकार ने बहुत विभागों नौकरी दी है, आप नेट पे चेक करिए, पढ़ी लिखी है कितनी सारी नौकरियां, मैं वही तो कह रही हूँ, सबको समानता का अधिकार, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की बात कर, आप मुझे बताओ राशन मिलना 3-3 महीने का, अगर किसी पर राशन कार्ड नहीं है तो उसकी अपनी दिक्कत है, जाए राशन ले ले कोविड के अंदर। ये लोनी का विकास है, ये गली देख लो सिर्फ आप, हटियो बच्चों ये गली देखो, ये लोनी का विकास देखो, आगे खत्ता पड़ा हुआ है, और एक मिनट आगे देखो पूरा कूड़ेदान पड़ा हुआ है, देखो ये देखो मैम ये हाईवे ये सहारनपुर मार्ग के इस रोड में देखो आप ये क्या गंदगी हो रही है, जब ये रोड पे जाने वाला नेता नहीं देख सकता इस चीज को तो बताओ कौन देखेगा? अच्छा यहाँ लोग ये जितने भी लोग रह रहे हैं ये बेचारे परेशान हो रही है मैम, ये देखो सारी गली ऐसी हो रही है, देखो भैया ये सफाई देखो, ये देखो सब गली ऐसी हो रही है, सब गलिया मैडम समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। मैं सुनो सही, मैं अखिलेश यादव का फैन हूँ, बढ़िया वाला बढ़िया वाला फैन है वो तो अलग बात है,
हाँ तो अखिलेश यादव काम करते हैं बढ़िया और योगी जी नहीं आने चाहिए। नहीं आना चाहिए आपको, अखिलेश की आनी चाहिए सरकार, अखिलेश सरकार आनी चाहिए। अखिलेश आना चाहिए, अखिलेश जी आना चाहिए, अखिलेश जी क्यों आना चाहिए? मैं तो अखिलेश आना चाहिए, मैं जीतू। आप मुझे समझ गए, आप अखिलेश यादव का बहुत बड़ा फैन है, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। एक मिनट, मैं जीतू यादव हूँ, इटावा से हूँ मैं, ठीक है? जीतू यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव आना चाहिए, हमने बता दिया, ठीक है, पता चल गया, ठीक है कि आपको बहुत बड़ा फैन है। बना लो कोई मैडम, रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत है, खाली बीजेपी ने खाली अपनी जेब भरी है बस, और कुछ नहीं करा। आम आदमी के लिए खाली वो वही आम आदमी वही कम ही है खाली बस। अंकल जी भी कह रहे थे कि बहुत अरे वो ऐसे वो उसका पैसे मिल रहा है, सब पैसे वाले खाते हैं वो, मुझे पता है उसकी। हाँ पता है इसकी कौन। अच्छा हाँ, जितने भी काम हो रहे हैं अखिलेश की सरकार में ही हो रहे हैं, सब पैसे खाते हैं। अच्छा इसलिए आप बता दो किसका सरकार चाहते हो आप परेशानों में? जो आ रहा है जो आना चाहिए वो भी सब गरीब की सुन सुने। अच्छा अखिलेश आ जाए तो बढ़िया, तो दोनों पेंसिल आ जब तो मैं जानू और मैं पैसे भर जाए जब 2002 से लग रही 100 रुपए महीने में बढ़ाई, 100 रुपए साल ही बढ़ाते मैं तरक्की हो जाती मेरी, 1500 करो ना करो कार्ड मिला होगा काम। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि यूपी में विकास हुआ है। हाँ मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये कर दिया बहुत अच्छी बात। सुनो कर लेंगे एकदम, अखिलेश टिकेश प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा अखिलेश प्रधानमंत्री में देखना चाहते हैं? हाँ टिकेश बनेगा प्रधानमंत्री। अच्छा ये बताइए आपने इतना अच्छी बात बताई अंकल जी, एक मिनट, इतना अच्छी बातें बताई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, सब किसान, सब किसान के अच्छा लगे हुए। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा भैया आप किसको चाहते हैं? अखिलेश यादव को। आप भी अखिलेश को चाहते हैं? आप भाई आप किसको चाहते हैं? अखिलेश, अखिलेश को चाहते।